सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं शादी कैसे करूं? ऐसे सवाल लेके काफी लोग, लड़के लोग मेरे पास में आते हैं या उनके माँ बाप उनको लेकर आते हैं। होता क्या है कि 25 साल 30 साल का लड़का है, अभी आजकल तो गर्लफ्रेंड होना, रिलेशनशिप में आना बहुत ही कॉमन है, और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आते हैं या गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स करते हैं, नेचुरली पहली बार है और उसका होता नहीं है, जल्दी निकल जाता है या इरेक्शन ही नहीं होता। अब होता क्या है कि वो गर्लफ्रेंड जो उसकी है, उसको यदि काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड पहले हो चुके हैं या एक्सपीरियंस है, तो ये लड़के को कुछ सपोर्ट देने के बदले वो उसको चिढ़ाती है या उसको टोकती है या उसकी आलोचना करती है कि भाई तू आदमी में नहीं है, तेरे को जमता नहीं है, तू इलाज कर ले, देख फिर आगे क्या होगा, ऐसा। अब वो बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है कि भाई मेरा होता ही नहीं है या मेरा छोटा है या मेरा तो इरेक्शन नहीं होता है। और बाद में फिर ये लड़का वेश्या के पास में जाता है, वहाँ कोशिश करता है, वहाँ भी जमता नहीं है, और फिर प्रॉब्लम आता है। अभी घर वाले बोलते हैं शादी करो, ये बोलता है कि मेरा इरेक्शन नहीं होता है, मैं सेक्स नहीं कर पाता हूँ, शादी कैसे करूँ, और बोलता भी नहीं है। फिर साल दो साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर धीरे से बोलता है घर वालों को कि भाई मेरा इरेक्शन नहीं होता है और मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए मेरे पास में जब आदमी बोलता हूँ नहीं नहीं करो शादी, कुछ नहीं है, आपका सब नॉर्मल है, आपका स्पर्म काउंट ठीक है, सीमेन हमने एग्जामिनेशन किया हुआ है, आपका नाइट में इरेक्शन होता है, सवेरे मॉर्निंग में इरेक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन है, सब तो है, बोलता मगर मैं लड़की के पास में गया तो होता नहीं, अब क्या करूं? अभी उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है, उसको है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, और उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव वाइफ होना जरूरी है। सपोर्टिव वाइफ रही तो ही पॉसिबल है, क्योंकि बोलता है कि मैं कर सकूंगा तो मैं शादी, मतलब फिर आपको तो एक ही काम करना होगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप टेस्ट करो, क्योंकि आप जब भी कभी टेस्ट करने जाएंगे फिर टेंशन आएगा। तो टेस्ट भी करना है तो आपको वहां टेस्ट जाके करना पड़ेगा कि वहां कोई सपोर्टिव लेडी है, आपको सपोर्ट दे रही है, आपको एश्योर कर रही है कि कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आपको जम गया तो ठीक है, फिर आप शादी कर सकते हैं। बोला नहीं नहीं ऐसा कैसा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, फिर मतलब शादी कर लो, कुछ नहीं होता है। उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं कि ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। और फिर मैं ये जो लड़का मेरे पास में आया था अप्रॉक्सीमेटली 35 साल का था, अभी तक शादी की नहीं, क्योंकि भाई मेरा पहले जमेगा तो मैं शादी करूँगा, और बाकी लोग बोलते तू शादी कर ले बाद में जमेगा, तो ऐसे इसमें वो शादी नहीं कर रहा। तो फिर उसको मैंने काउंसलिंग किया, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी उसको थी, उसको मैंने बताया कि भाई देख नॉक्चर्नल इरेक्शंस है मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, मॉर्निंग इरेक्शंस हो रहे हैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टरबेशन कर रहा है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। और फिर उनको मैं दवा देता हूँ, एंग्जाइटी कम करने की दवा देता हूँ, इरेक्शंस के लिए फिर PDE5 इनहिबिटर देता हूँ, शादी कर लो कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना ही करो कि शादी ऐसे लड़की के साथ में करो कि जो मतलब ऐसे बहुत ही हाईफाई है कि भाई नहीं नहीं बहुत डिमांडिंग है, तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के शादी करनी पड़ेगी। बहुत ही हाईफाई लड़की है, बहुत ही सोशल है, बहुत ही फॉरवर्ड है और बहुत ही डिमांड करने वाली है, ऐसी लड़की रही तो पहले दिन ही भाग जाएगी, तो ऐसा मत करो, समझ लो, लड़की के साथ में बातचीत करो, पहले इंटीमेट हो जाओ, समझ लो और बाद में शादी करो, तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहेंगी नहीं। तो ऐसी इस तरह के हम केसेस हैंडल करते हैं, जिनको भी ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है उन्होंने ये देखना चाहिए कि भाई हम एंग्जाइटी एंग्जियोलाइटिक लेते हैं, खुद को रीएश्योर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हिप्नोथेरेपी करते हैं, और ये सब करने के बाद में उनका इलाज हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब वो लोगों को शेयर करोगे जो अटके हुए हैं और शादी नहीं कर रहे, ताकि उनका वो वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है,
उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।